आज फिर पोचिंग की जमीन पर कदम रखेंगे और सब चुन्नू मुन्नू डर कर घर में छिप जाए, इतना शोर मचाएंगे कहीं पर भी अंधेरा नहीं दिखेगा, हर गली में इतनी पेटियां चमकाएंगे। हर नई वीडियो में यही कोशिश रहती है कि पहले वाली वीडियो से भी ज्यादा मजा दिलाएंगे। और अब कमेंट में लिख कर बता दो भाई कि जैसे मोटू और पतलू की जोड़ी कुछ ऐसे साथ निभाएंगे, नफरत ना करके दूर दिल तक साथ निभाइयो। एक बात बोलूँ तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों आज की ये गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, आपको बहुत ही खतरनाक खतरनाक किल देखने को मिलेंगे। तो हमें जाते ही भैया डोगा और भैया ऊपर जाने के बाद हमें ये ऊजी मिल गई, तो अभी इसी से भैया शिकार करते हैं। तो देखते रहना भैया रजाई में घुस के, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और जाते ही भाई हमने सबसे पहले तो इस बोटनी की बुआ के लड़के की बलि चढ़ा दी भाई, और जब हम जाते ही किसी बोट को टपका देते हैं ना तो बहुत ही खतरनाक गेम जाता है। अभाग्य भाई दो टीम के बीच में फाइट हो रही थी तो मैं मौके पे चौका मारने की ट्राई करता हूं लेकिन कुछ गलत सीन हो गया भाई। बोट या बोटनी को टपकाओ और एनर्जी ड्रिंक पीकर आराम से जियो, पर किल चोर के किल चोरी करके किल चोर से पंगा मत लियो। अभी इस भाई साहब ने मेरी नजरों के सामने मेरा एक किल चोरी कर लिया भाई, तो बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा मुझे ये बताते हुए। और अब भाड़ में जाए भाई चिकन डिनर, सबसे पहले हम तो इसकी पेटी चमकाएंगे। अब इस चुन्नू को तो भाई हमने इसके कर्मों की सजा दे दी थी, इसने बहुत ही ज्यादा गलत किया भाई, किल चोर के भी किल चोरी कर लियो भी उसकी नजरों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया भाई, मैं खड़ा देखता रहा। और अब हमारे नकली किल चोर भाई को भी किसी ने आशीर्वाद दे दिया भाई। अब यहां पर मैं अपने नकली किलचोर भाई को तो नहीं बचा पाया, पर अब इरेंगल में तबाही मचा देंगे, एक ट्रक भर जाए इतनी पेटियां चमका देंगे। अब बहुत ही खतरनाक बंदा था भाई ये, इसने पहले तो हमारे नकली किलचोर भाई को नोक किया, मैं आगे खड़ा था मुझे तो मारा नहीं भाई, उसको पूरा खा गया। और अब ये देखो भाई सिजुका का फ्रेंड नोबिता भी आ गया, और ये कल वाले गेम प्ले में भी आया था भाई लेकिन वो कोई और नोबिता था। और इरेंगल में ना बहुत सारे नोबिता घूमने लग रहे हैं, सिजुका का गुस्सा भाई यहाँ कर निकालते हैं, लेकिन मैंने उसको टपका दिया। और उसको टपकाने के बाद अब हम आ जाते भाई यहाँ पर भी कुछ चुन्नू मुन्नू भाई लड़ने लग रहे थे, तो उनको भी आशीर्वाद देकर चलते हैं। अभी ये भाई साहब अकेला भटकने लग रहा था, इसकी टीम की भाई किसी और ने ऐसी तैसी कर दी, तो इसको मैंने टपका दिया, मुक्ति दे दी भाई इसको। और आगे ये एक बोटनी और आ गई, और आपको तो पता है कि भाई मेरे एंगल में किसी पर भी दया नहीं दिखाता, बोट हो या बोटनी मैं सीधा टपकाता, लेकिन भाई आज जो है दया दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं भाई, पहले इसको टपकाएंगे। अब ये देखो भाई नाम देखो इनके। अब मैं अपना किल कंफर्म करने की सोच रहा था भाई, लेकिन किसी भाई साहब की जो है मेरे पे बुरी नज़र थी और उसने भाई मुझे चटर मटर के साथ नोक कर दिया, तो इसे भी भाई बहुत ही बेरहमी के साथ टपकाएंगे, लेकिन पहले रिवाइव ले लेते हैं फिर उसकी ऐसी तैसी करने जाएंगे भाई। तो एक पेन किलर खा लेते हैं भाई, क्या पता बाद में मौका मिले या ना मिले, या फिर भाई इसको कोई और ही यूज करे। अब ये वाला नेड भाई मंत्र पढ़ कर ही फेंकते हैं, वो भट स्वान नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। तो जिसने मुझे नोक किया था भाई उसके पेट में दर्द हो गया भाई इस नेड से, और ये फेंक दी भाई हमने आग। अब आग लगाएंगे इनमें, लेकिन मेरे साथ ही गलत सीन हो गया भाई, ये आग मेरे में लग गई और मेरी हेल्थ देखो भाई। और ये सीन देखने के बाद ना आपको ये पता चल गया होगा कि किल चोर जो है मौत को छूकर टक से वापस आ सकता है। अब ये एक भाई साहब पीछे बैठकर मजे लेने लग रहे थे, तो इसको भी टपका दिया, और ऐसा ही नजारा आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो
तो देखते रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अब जो है पोचिंग की बिल्कुल खाली हो गया था, लेकिन एक जो है बहुत ही खतरनाक प्रो बंदा बचा हुआ था। अब यहाँ पर भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला बोट ना मैंने पहले कभी टपकाया और ये मुझसे बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेके आया है, लेकिन भाई मैंने इसको फिर से टपका दिया और ये फिर से जन्म लेके आएगा, मैं इसको फिर से टपका दूंगा। और आज जो भाई मैंने एक बोटनी पर दया दिखाई है, देखो पीछे एक बोटनी घूमने लग रही थी भाई, लेकिन मैंने उसको टपकाया नहीं, जबकि कुछ ही सेकंड लगती और मैं इसकी पेटी चमका देता। लेकिन भाई आज मेरा मूड नहीं था इसको टपकाने का। अब कभी कभी भाई मेरा मूड नहीं होता कि मैं बोट को मारूं, छोड़ देता हूँ भाई, सोचता हूँ कि जी लेने तो भाई इसको इसकी ज़िंदगी। और अब हम आ गए थे भाई ड्रॉप लूटने और हमारी गाड़ी फंस गई, लेकिन भाई गाड़ी गई भाड़ में, पहले ड्रॉप लूटो। तो मुझे यहाँ पर भाई M249 मिल गई और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन है, अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो ना तो भाई इसे उठा लिया करो। और अब जो है हम अपनी डासिया को निकालने लग रहे थे क्योंकि बहुत ही महंगी वाली थी। और यहाँ पर भाई एक सुपरमैन का भतीजा आ गया। अब इसके साथ भाई बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, जितना जल्दी आया था ना उतना जल्दी चला भी गया। लेकिन भाई अभी इसके दो चुन्नू मुन्नू और आएंगे बदला लेने के लिए। अब मुझे ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि ये भाई साहब जो अपने टीममेट का बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन ये तो भाई बादलों में चले गए थे। अब इसका एक टीममेट और बचा हुआ था। अब ये वाला नेड किसी काम नहीं आया, लेकिन ये वाला नेड भाई मंत्र पढ़ के फेंकते हो, बट स्वा नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। तो निकल गया भाई हरा धुआं, इसकी भी पेटी चमक गई थी। वैसे बहुत ही ज्यादा गलत सीन हुआ इनके साथ, अभी अपने टीममेट का बदला लेने आए थे और खुद भी टपक गए। अब हमें क्या मतलब भाई, हमें तो टपकाने से मतलब कोई भी आए। अब उनको तो टपका दिया था और उस साइड जो है एक गाड़ी और दिखी। अब आगे भाई एक फ्लेयर भी चली हुई थी और ये वाले बंदे ना भाई सच में बहुत ही ज्यादा चालाक थे। अब मुझे तो सब पता है कि ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इनको नहीं पता कि किल चोर इनसे भी चालू है। शायद आप इनकी चालाकी को नहीं समझे, लेकिन मैं समझ गया। तो इनकी चालाकी बताता हूँ भाई आपको, सर्कल छोटा बचा हुआ था तो इन्होंने भाई जाकर ओपन में फ्लेयर चला दी और ये यहाँ पर बैठकर भाई निशाना लगाए हुए थे कि जो भी लूटेगा उसको टपका देंगे, लेकिन पीछे से आके भाई इनको मैंने ही टपका दिया। अब ये मत सोचना कि भाई मैं लेटा क्यों हूं, गलती से हो गया था भाई। और ये देखो मेरी बुरी किस्मत, गैस कैन फटने की वजह से भाई हमारी हेल्थ जो है बहुत ही कम रह गई। लेकिन आपको पता है कि भाई हम जो है मौत को छूकर टक से वापस आ सकते हैं, और यहाँ पर भी बच गए। वैसे अगर ये बंदा उस साइड से आता ना और हमारी फाइट होती आमने सामने की, तो भाई मौत को छूकर टक से वापस नहीं आ सकते हम, फिर तो हमारी पेटी चमक सकती थी। तो बच गए हम, और अब जो है दो बंदे बचे हुए थे, एक बंदा जो है उस साइड से स्नाइपिंग करने लग रहा था। अभी ये बोटनी की बुआ का लड़का भाई अभी तक पता नहीं क्या कर रहा था यहां पर, इसको किसी ने आशीर्वाद दिया ही नहीं तो हमने मुक्ति दे दी इसको। और मेरे साथ ना यहां पर भी वो वाला गलीच हो गया था, एक बार फायर करने पर भाई एक एमओ निकली, फिर निकली नहीं भाई। तो अगर रियल बंदा होता तो मेरी पेटी चमक जाती। और ये देखो भाई हमारे दो नंबर को उस बंदे ने नोक कर दिया। और आजकल ना भाई बहुत ही ज्यादा चालू बंदे हो गए, बहुत ज्यादा दिखाऊंगा अभी। अब ये वाला बंदा भाई फंस चुका था, तो वहां पर जो है मुझे ये बंदा दिख गया था और जोन आने लग रहा था। अब इस बंदे को पता था कि भाई इसकी पेट्टी जरूर बनेगी, और जब पता हो ना कि पेट्टी बनेगी तो फिर वही टीम अप वाली हरकत करते हैं भाई। अब ये टीम अप करने लग गया था तो मैंने छोड़ दिया भाई इसको, और क्या हुआ मैंने इसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन छोड़ दिया था भाई। मैं क्या करूं भाई, जब जोन पीछे आ गया और ये टपक गया। वैसे भाई ये टीम अप करने वाले ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर हॉट ड्रॉप पे उतरे, अगर अगले को गन ना मिले ना
तो कूदने लग जाते हैं, और अगर गन मिल जाए ना तो हमारी ऐसी तैसी कर दे भाई ये सबसे पहले। और ये फंस चुका था इसलिए ये टीम अप करने लग रहा था, लेकिन फिर भी भाई मैंने थोड़ा सा डैमेज करके छोड़ दिया कि देखा जाएगा भाई चलो छोड़ दो टीम अप करते हैं। लेकिन भाई जोन में उसकी ऐसी तैसी हो गई। वैसे उम्मीद है आज की गेम प्ले वीडियो जो आपको पसंद आई होगी, और आपको बता दूं कि भाई आज की गेम प्ले में वॉइस ओवर करते टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि भाई मेरा माइक हो गया ख़राब। अब वो वायर जो है हटने लग रही है बार बार, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बहुत बार, वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रही तो बार बार करनी पड़ रही है भाई, मुँह भी दुखने लग गया भाई बोलते बोलते। अब दो तीन दिन तक जो है मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो देखते हैं भाई कब तक अब दूसरा माइक आता है। वैसे जो मैं माइक यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये बात मैंने इसलिए बोली कि आप पूछने लग जाओ कि भाई कौन सा माइक यूज़ करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।